तो दोस्तों मैं वेलकम करता हूँ आपको यासर यूट्यूब चैनल में। गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक ब्लॉग के अंदर आर्टिकल कैसे लिखते हो और इसे पोस्ट कैसे करते हो। इसमें हम देखेंगे कि आप इमेज को या किसी भी मीडिया की फाइल को कैसे ऐड करते हो, किस तरह से उसे मैनेज करते हो और कैटेगरीज कैसे साइन करते हो और फीचर इमेज क्या होता है, फीचर इमेज को कैसे आप अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर लगा सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है उन फ्रीलांसर्स के लिए, उन वर्डप्रेस फ्रीलांसर्स के लिए जो कि वर्डप्रेस फ्रीलांसर हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए या जॉब होल्डर्स उन स्टूडेंट या जॉब होल्डर्स के लिए जो कि ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे आके अपना कैरियर को बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सो गाइस कैटेगरीज हमने बना ली, कैटेगरीज को हमने देखा डिटेल में समझा पिछली लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि आप किस तरह से पोस्ट की कैटेगरीज करते हो, कैटेगरीज को कैसे इसको लेकर चलते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आप पोस्ट को कैसे पब्लिश करते हो और आप आर्टिकल को कैसे लिखते हो और मीडिया फाइल किस तरह से आप इसके अंदर लगा सकते हो। दोस्तों इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, इसके अंदर याद रखिएगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी रेगुलर डाटा आपका अपडेट हो रहा है वो आपने जाना है पोस्ट के अंदर जाके रेगुलर जितना भी आपका डाटा अपडेट हो रहा है उसमें जाके आपने अपडेट करना है। दोस्तों इसके अंदर हम जाते हैं जी ऑल पोस्ट के अंदर, और उसके बाद आप पोस्ट पर चले जाएं, ऑल पोस्ट पर चले जाएं, ऐड न्यू के ऑप्शन पर जाएंगे तो वो आपको नई एक पोस्ट दिखा देगा कि आपने न्यू पोस्ट इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, नई पोस्ट अगर ऐड करनी है तो उसका आपको इंटरफेस दिखा देगा। उसके बाद कैटेगरीज हमने देख लिया लास्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद आज हम बात करेंगे टैग्स के बारे में और पोस्ट के बारे में। तो उसके बाद इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि पोस्ट के अंदर आप किस तरह से आप इसके अपनी पोस्ट को इसके अंदर मैनेज कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। दोस्तों अगर इस पे बटन में क्लिक करेंगे तो इस पे आप क्लिक करते ही आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर आप अपने पोस्ट को लिख सकते हो, अपने पोस्ट को राइट कर सकते हो, राइट करके बाद उसको पब्लिश कर सकते हो। ये अभी जो है वो नेक्स्ट इसके पे बात करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बता रहा है कि ऑल पोस्ट, दोस्तों इसके अंदर आपको बता रहा है कि आपकी टोटल पोस्ट कितनी है, ऑल पोस्ट बता रहा है। ठीक है, उसके बाद माइन बता रहा है, ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास पब्लिश की है कि हमने पब्लिश अब तक कितनी की हुई है, दो पोस्ट हमने पब्लिश की हुई हैं जो एक हेलो वर्ल्ड के नाम से है और एक ब्रांड टिप्स के नाम से है। ये दोनों पोस्ट हमने जो है ना इसको पब्लिश किया हुआ है जो कि ईजिली हमारा जो यूज़र है, हमारा जो सब्सक्राइबर है, वो ईजिली यहाँ पर रीडर इसको रीड कर सकता है। दोस्तों इसके अंदर बल्क एक्शन है, बल्क एक्शन के अंदर जाके आप इसको एडिट कर सकते हो, मूव टू ट्रैश कर सकते हो, यानी कि सपोज मैंने इसको दोनों को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे मैं इसको डिलीट करूँगा यानी कि मूव टू ट्रैश में यहाँ अप्लाई करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर अगर ट्रैश करता हूँ इसको तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये आ गई है हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट। उसके बाद दोस्तों हम अगर ट्रैश पर जाते हैं, ट्रैश पर जाके मैं चाहता हूँ कि यही वाली दोबारा से वापस आ जाए, रजिस्टर हो जाए, तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ये आपको दोबारा वहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे परमानेंटली इसको डिलीट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे रिस्टोर कर लेता हूँ। रिस्टोर करने के बाद आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारे पास, हम इसको करेंगे रिफ्रेश, हमारे पास वो हमारी पोस्ट जो हमने डिलीट की थी वो हमारे पास वापस आ चुकी है। दोस्तों इसके अंदर ये टाइटल है इसका और ऑथर है, ये किसने पब्लिश की है, एडमिन ने की है, ये दूसरी है ना मुसब चौधरी ने की है। उसके बाद कैटेगरीज है, इसके बाद हमने किस कैटेगरी में डाला हुआ है। उसके बाद टैग्स हैं हमारे पास, ठीक है, इसमें टैग हमने अभी ऐड नहीं किए। उसके बाद कमेंट्स हैं, कमेंट्स जो आपको आपका रीडर्स जो है, आपका सब्सक्राइबर, आपका क्लाइंट जो आपको आर्टिकल पे कमेंट लिखता है कि आपको उसका आर्टिकल कैसा लगा,
उसका फीडबैक देता है उसको हम कमेंट बॉक्स या फिर इसके कमेंट्स आ जाएंगे ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेट है जो पब्लिश डेट है, पब्लिश डेट के अंदर इसकी कह रहा है कि ये इस डेट को ये पब्लिश हुई थी। अगर आपके पास ज़्यादा पोस्ट हैं ठीक है, आपने को पोस्ट आपके सर्च करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आगे इजीली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन ऑप्शन है हमारे पास, स्क्रीन ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आपके पास अनचेक करके यहाँ पे कोई चीज़ हाइड कर सकते हो, किसी चीज़ को अनहाइड कर सकते हो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप हर चीज़ चेक कर सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज, यानी पर पेज के ऊपर नंबर ऑफ आइटम्स आपको कितनी शो होनी चाहिए। उसके बाद है जी व्यू मोड, ये व्यू मोड से मुराद ये कि लिस्ट व्यू है, एक्सेप्ट व्यू है, यानी कि एक्सेप्ट व्यू के अंदर आपको इसकी डिटेल के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर देगा। यहाँ पे अभी सिर्फ इसकी आ रही है लिस्ट व्यू के अंदर आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है इसकी टाइटल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद अगर दूसरी ऑप्शन पर हम जाएंगे इस वाली पे तो इस पर आपको इसके साथ साथ इसकी टेक्स्ट भी दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था इसका थोड़ा सा ओवरव्यू। अभी हम जाते हैं अपने वेबसाइट को व्यू करते हैं। वेबसाइट को व्यू करते हैं जी। हेलो वर्ल्ड के नाम से हमारे पास एक डमी पोस्ट मौजूद है जिसके अंदर आपको एक डमी एक कमेंट भी आपको देता है, कमेंट भी कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट दे रहा है ठीक है। ये एक बाई डिफ़ॉल्ट आपको जब भी आप वर्डप्रेस को अपनी वेबसाइट अपनी वर्ड जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम के अंदर तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको एक डमी पोस्ट दी जाती है, डमी एक कैटेगरी दी जाती है ठीक है। उसके बाद डमी कैटेगरी के बाद आपको एक इसके अंदर ऑटो एक कमेंट बॉक्स भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। उसे देख सकते हैं ये आपका कमेंट बॉक्स आ गया ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कमेंट आप कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास डेट आ गई है किस डेट को आपने ये पब्लिश किया था। उसके बाद कमेंट एक है हमारे पास, उसके बाद ऑथर कौन है इसका, किसने ये पब्लिश किया है। दोस्तों अब यहाँ पे हमने एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि फीचर इमेज क्या होता है। फीचर इमेज के लिए हम जाएंगे जी ब्लॉगिंग की बहुत ही अच्छी वेबसाइट है बींग गुरु के नाम से, जो कि हाशिम सरवर साहब हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन द ऑल ऑफ द वर्ल्ड, जो कि फ्रीलांसर थे, फ्रीलांसर और ब्लॉगिंग से रिलेटेड इनका काम है। और ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फीचर इमेज है और इसके अंदर ब्लॉगिंग अगर आप करते हो तो ब्लॉगिंग के अंदर इस तरह से आपकी पोस्ट इसके अंदर शो हो सकती हैं, यानी कि ये आपका टाइटल आ गया ठीक है, और ये आपका ऑथर जो है जो राइटर है वो आ गया जिसने ये पब्लिश की है। उसके बाद ये आपका फीचर, ये देख सकते हैं कि हमारे पास अगर पिक्चर ना हो, ये तस्वीर ना हो, तस्वीर अगर ना हो तो हमारी ब्लॉग पोस्ट के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं आ सकता, ब्लॉग पोस्ट के अंदर आपको इतना ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं हो सकता, यानी कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट नहीं कर सकते आप विदाउट पिक्चर, विदाउट फीचर इमेज एंड विदाउट इमेज। उसके बाद ये तो होगा थोड़ा सा इसका ओवरव्यू। तो अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपनी एक न्यू पोस्ट जिसके अंदर हम लिखेंगे जी यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे अपनी यहाँ पे हम कर देते हैं जी इसका टाइटल लिख देते हैं ब्रांडिंग, क्योंकि हम बिज़नेस के बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे। और ब्रांडिंग के बाद हम यहाँ पे इसका एक इमेज ऐड करेंगे, दोस्तों आप यहाँ से अपनी सिस्टम के अंदर से भी अपलोड कर सकते हो अपने मीडिया लाइब्रेरी, आपकी जो वर्डप्रेस की लाइब्रेरी है जिसके ऊपर आपने कुछ इसके अंदर आप कुछ अपने इमेजेस लगाए हुए इमेज अपलोड किए हैं वो वाले सारे आपको यहाँ पे शो कर देगा। आप यहाँ से इंसर्ट यूआरएल, यानी कि किसी वेबसाइट को उठा के आप यहाँ पे यूआरएल भी लगा सकते हो जो कि आपका यहाँ पे वो भी पिक्चर आपको शो हो जाएगी। हाँ मैं फ़िलहाल मेरे पास सिस्टम के अंदर एक पड़ी हुई है पिक्चर, मैं फ़िलहाल उसे यूज़ करूँगा यहाँ पर। और ये हमारी ब्रांडिंग के नाम से हमारी एक पिक्चर आ गई है
उसके बाद आपने अगर यहाँ पे कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, कोई इमेज हमने लगा दी, उसके बाद हेडिंग न्यू एडिंग ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। गैलरी ऐड करना चाहते हैं, लिस्ट बनाना चाहते हैं, कॉर्ड लगाना चाहते हैं, ठीक है, ऑडियो ऑडियो फाइल यहाँ पे कोई अपलोड करना चाहते हैं अपनी निश के हवाले से, अपनी ब्लॉगिंग के हवाले से, आप कोई ना कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, यानी कि हर चीज़ आप यहाँ से इसको इजीली मैनेज कर सकते हो। इवन के हमने लास्ट वीडियो में हमने पिछले वीडियो में ये भी बात की थी कि आप इसके अंदर अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप अपनी वेबसाइट बना के उसके अंदर अपनी यूट्यूब की वीडियो को भी ऐड कर सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट को, तो मैंने यहाँ पे पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं सिंपली इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो है ना वो पोस्ट पेस्ट हो चुका है, हमारी ब्रांडिंग की डिटेल है, हमारी ब्रांडिंग की एक पोस्ट है, आर्टिकल है ब्रांडिंग के हवाले से कि आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं। इसको हम लेके जाएंगे बिजनेस की कैटेगरी के अंदर, इसको ऐड करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम थोड़ी सी ना इसके अंदर ऑप्शंस देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, और यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट चेक कर सकते हो कि आप इसको लेफ्ट में रखना चाहते हो, सेंटर करना चाहते हो, या राइट करना चाहते हो। ये आपका कंट्रोल जी है, अंडू का है, और ये रीडू का है, ठीक है, ऑप्शन है उसके अंदर। उसके बाद ये इसके अंदर आप उसको लिंक देना चाहते हो, यानी कि सपोज आप कहते हो कि ये आप ब्रांडिंग के हवाले से लिख रहे हो, तो ये ब्रांडिंग का लिंक आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, ब्रांडिंग के नाम, ठीक है, कोई ना कोई लिंक देना चाहते हो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लिंक देता हूँ जी B2B के नाम से, इसको राइट क्लिक B2B पे यहाँ पे इसको आप पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ से मैं देता हूँ कि यहाँ पे गूगल का देना चाहता हूँ मैं, आप इस तरह से करके इसको लिंक दे देना इसका। इसको यहाँ से कर देंगे एंटर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये बोल्ड हो चुका है और इसकी कलर भी चेंज हो चुका है, और हमारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका गूगल पे चला जाएगा। यानी कोई भी आप लिंक दे सकते हैं, किसी वेबसाइट का दे सकते हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी जगह आपको लिंक इसके अंदर ऐड कर सकते हो, किसी वेबसाइट का ऐड कर सकते हो, जिससे आप इजीली अपने अपने यूज़र को और ज़्यादा इंगेज कर सकते हो। दोस्तों इसके अंदर आप इस किसी को बोल्ड करना है और टेक्स्ट को बोल्ड करना है, हेडिंग बनानी है, यानी कि हर किस्म के टेक्स्ट को हर चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हो। दोस्तों ये थी, हमने आर्टिकल इसके अंदर लिख दिया है, आर्टिकल इसको अंदर डाल दिया है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपली पोस्ट पे दोबारा वापस चला जाता हूँ या इसको बंद कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ये पोस्ट है, हमारी ये पोस्ट ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो ड्राफ्ट के अंदर हमारे पास सेव हो जाएगी। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारे पास अगर बंद भी कर देते हैं, किसी वजह से बंद हो जाती है, तो हम जहाँ भी जाके इसको इजीली दोबारा से इसको ऐड कर सकते हैं। सेव करने के बाद इसको फाइनलाइज करने के बाद हम यहाँ पर इजीली इसको ऐड कर सकते हैं, इसीलिए इसको पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसको देनी है जी कैटेगरी, और यहाँ पे ऑथर चेंज करेंगे, ऑथर जो भी है वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं जिस जो इसको पब्लिश कर रहा है, और यह परमालिंक से मुराद ये है कि आपका ये देखें व्यू पोस्ट, यानी कि आपने यहाँ पे आपका पोस्ट का एक लिंक आपको बता रहा है कि आपने पोस्ट के लिंक को पोस्ट का लिंक बता रहा है कि आप ये डायरेक्टली यहाँ से जाके अपनी पोस्ट को रीड कर सकते हैं। इसकी सेटिंग का हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमने
इसकी सेटिंग कैसे बनाना है, क्योंकि गूगल ये कहता है, गूगल ये कहता है कि लोकल होस्ट आपकी www.yesology.com, उसके बाद आपकी जो ब्लॉग आपके ब्लॉग आपकी पोस्ट का जो टाइटल है वो आपका इसके साथ आना चाहिए। तो इसके साथ इसकी सेटिंग हम बाद में बात करेंगे, इसके नेक्स्ट मैं आपको बता भी दूंगा कि आपने किस तरह से इसको परमालिंक, इसको परमालिंक बनाना है, इसको परमालिंक सेटिंग को कैसे आपने इनेबल करना है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे जी, बिजनेस न्यूज़ को हम करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसके दे देते हैं जी टैग्स दे देते हैं। टैग से मुराद ये है कि आप की जो आपकी जो पोस्ट है इसके अंदर किस बारे में आपको बात कर रहे हैं, और इस बारे में बात कर रहे हैं यानी कि लोग अगर सर्च करते हैं तो आप किस हवाले से आपके इसकी इसकी कीवर्ड किस तरह के डाल सकते हैं इसके अंदर। तो हमने इसकी फ़िलहाल बिजनेस कॉलम डालेंगे तो, और ब्रांडिंग, ठीक है, इस तरह के कुछ इसके अंदर टैग्स डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल सकते हैं इसकी फीचर इमेज, तो फीचर इमेज में डालता हूँ ये वाली, ठीक है, ये फीचर इमेज हो गया। उसके बाद हम इसको करेंगे यहाँ से, यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू भी दे सकते हैं, सेव ड्राफ्ट में कर सकते हैं। उसके बाद बाद में जब आपने इसको फाइनलाइज करना है तो उसको भी आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो। हमने फिलहाल इसको पब्लिश करते हैं, और पब्लिश करने के बाद ये हमारी पोस्ट ऑटोमेटिकली इजीली जो है ना इसको पब्लिश हो जाएगी। हमने यहाँ दोस्तों रजिस्टर्ड पोस्ट हमारी सबसे पहले दिखाएगा, क्योंकि जितने भी रजिस्टर्ड पोस्ट हमारे पास होगी वो हमारे सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देगी। ये आ गई हमारी फीचर इमेज, और ये आ गई हमारी ब्रांडिंग, ब्रांडिंग की पिक्चर, ठीक है। इसके अंदर हमने यहाँ पे एक लिंक दिया था B2B के नाम से, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्टली आपको यहाँ पे गूगल पे ले जाएगा, यानी कोई भी किसी भी चीज़ किस्म की आप यहाँ पे इसके अंदर लिंक ऐड कर सकते हो। तो सेम बात करें परमालिंक्स की, तो परमालिंक्स की ऑटो की शक्ल, परमालिंक्स की सेटिंग को हम देखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में हमारे पास ऑप्शन है जी परमालिंक्स की। तो परमालिंक्स की आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ये वाली पोस्ट, ठीक है। इसके अंदर आप सैंपल पोस्ट, ये आपने जब भी इस को आर्टिकल पोस्ट करना है आपने जाना है सबसे पहले इसके अंदर पोस्ट के अंदर, और उसके बाद ये दूसरा कस्टम स्ट्रक्चर के इसको क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको इसकी क्योंकि अगर आप ये नहीं सेलेक्ट करेंगे तो इसका नुकसान आपको ये होगा कि आपको इसके अंदर इस तरह की आपका यूरल बन सकता है, यानी कि आपका www. आपका डोमेन नेम है, और डोमेन नेम उसके बाद P=123, और या फिर आपका डेट के हवाले से बन सकता है, उसके बाद डेट आ सकती है, यानी कि इस तरह के अजीब से जो है वो ये आपका डेट वगैरह डाल के इसको आपका परमानेंट बन सकता है, यूआरएल बन सकता है। तो आपने किसी को शेयर करना है तो आपको गूगल एल्गोरिथम के हवाले से आपको जो आपके पोस्ट का नाम जो है, अपने पोस्ट का नाम जो है वही आना चाहिए आपका यूआरएल के अंदर, यूआरएल के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम ब्रांडिंग, वेबसाइट का नाम आ रहा है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है ब्रांडिंग का कि आपने अपनी वेबसाइट। दोस्तों ये थी हमारी यूआरएल की सेटिंग्स, यहाँ पर आप सेव चेंजेस कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश करके, क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ इसलिए हमें यहाँ पे शो नहीं करवाएगा। दोस्तों ये थी हमारी पोस्ट की सेटिंग्स, और हमने आज की वीडियो में हमने देखा कि आप अपनी वेबसाइट को, अपनी वेबसाइट के अंदर रेगुलरली अपनी पोस्ट को कैसे अपडेट करते हो, और उसको कैटेगरी डाल के कैसे इसके अंदर आप उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखे मत कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ढेर सारा ख्याल रखिए, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।